हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में हाजिर हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगा 13 अक्टूबर 2017 का PIB न्यूज एनालिसिस। तो चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री मनोज सिन्हा लॉन्च द संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। उसके साथ ही उन्होंने एक इनिशिएटिव को भी जारी किया है, वो है एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंटल बेस ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इस संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत क्या है, क्या आता है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली हमारे देश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऐसा गांव आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसमें कम से कम 100 हाउस होल्ड हों, और हर हाउस होल्ड में हमारा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम एक को RPLI पॉलिसी से जोड़ा जाए। तो दोस्तों, RPLI पॉलिसी है क्या? RPLI को इंट्रोड्यूस किया गया था 24 मार्च 1995 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। और बेसिकली ये किस लिए है, ये है तुम्हारा इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बेसिकली रूरल एरियाज में और स्पेशली बीकर सेक्शन एंड वूमेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इसमें अंडर द स्कीम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्लाइंटल बेस ऑफ PLI, इसमें क्या है, अब तक क्या होता था, PLI के तहत गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलता था, लेकिन अभी इसका एक्सटेंशन किया है और ये अवेलेबल होगी बहुत सारे प्रोफेशंस के लोगों को, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंट एक्सेट्रा। उसके साथ ही साथ ये NSE और BSE में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अवेलेबल होगी। अब देखते हैं PLI है क्या। PLI को इंट्रोड्यूस किया गया था 1884, यानी कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये जो पोस्टल पॉलिसीज हैं वो बेसिकली लो प्रीमियम और हाई बोनस देंगी, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर देते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस प्रोग्राम को या इस बीमा को जारी करता है। उसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा ने इनोग्रेट किया दीप धरोहर। दीप धरोहर क्या है दोस्तों, ये एक फेस्टिवल है जिसको इनोग्रेट किया है बाई लाइटनिंग ऑफ 1000 दियाज बाई द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट, आर्टिसंस एंड चिल्ड्रंस। और जो चिल्ड्रन आए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आए, जैसे कि CCRT, सपना प्रयास और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। टू बीट ऑफ पखवाज, नगाड़ा एंड ढोल। उसके अलावा महेश शर्मा ने एक बुक भी रिलीज की है, लिविंग ट्रेडिशंस ट्राइबल एंड फोल्क पेंटिंग ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिश किया गया है कल्चरल मैपिंग टीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड CCRT द्वारा। तो दोस्तों, इसमें क्या है, बेसिकली याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नाटक किए गए थे, उन नाटक वो नाटक कौन कौन से स्टेट में होते हैं ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि मैच द कॉलम में आता है इस तरह का क्वेश्चन UPSC में। तो दोस्तों, खुला मंच जो है वो किया जाता है कांवड़िया भट्ट द्वारा, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। भांडपाथेर और लादी शाह ये कश्मीर में किया जाता है। उसके अलावा मनिहारो रास और सिद्धि धमाल ये गुजरात में किया जाता है। गोटीपुआ उड़ीसा में किया जाता है। तमंग सेलो ये सिक्किम में किया जाता है। और दिल्ली का वाय उसके पे दिल्ली में। तो उसी के इसके अलावा इसमें क्या होगा, इंडिया के जो टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको हर शाम यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, टेंजिबल हेरिटेज की बात करूँ तो इसमें 28 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स टेंजिबल हेरिटेज पाया जाता है इंडिया में, जो कि UNESCO द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करूँ तो इंडिया में अभी तक 13 UNESCO द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं अब तक। उसके अलावा डिफरेंट दीपावली ट्रेडिशंस जो इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे कि देव दीपावली ये बनारस में मनाई जाती है, गोवर्धन पूजा मथुरा और नाथद्वारा में मनाया जाता है। मथुरा UP के अंतर्गत आता है, नाथद्वारा राजस्थान में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, 5वीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है मित्र शक्ति। ये कंडक्ट हुई है ऑन द मिलिट्री स्टेशन पुणे में। तो ये जो एक्सरसाइज है उसका मुख्य एम है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को कैसे किया जाता है, इसमें इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं। और उसके बाद अगली न्यूज़ है एनुअल दिल्ली सेमिनार से रिलेटेड। ये इसका 4th एडिशन कंडक्ट हुआ है 12 से 13 अक्टूबर 2017 के बीच में। ये कंडक्ट किया जाता है INA मीन्स इंडियन नवल अकेडमी, एनुअल बेसिस पर किया जाता है। तो इस बार का जो दिल्ली सेमिनार है वो किया है इंडियन नवल अकेडमी एजीमाला, ये केरला में स्थापित बेस है INA का। और इस बार की जो थीम है वो है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मैरीटाइम ट्रेड एंड एक्सपेडिशन एंड सिविलाइजेशन लिंकेज। तो
तो देखते हैं इस बार की जो INA का जो दिल्ली सेमिनार है उसमें क्या बताया गया है। INA कंडक्ट द ये क्या बोला, INA कंडक्ट द एनुअल दिल्ली सेमिनार ऑन एलिमेंट एंड इश्यूज ऑफ मैरिटाइम हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ द नेशन टू हेल्प द यंग ऑफिसर्स एंड कैडेट कीप एन आई ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट इन द मैरिटाइम डोमेन विद द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ पास्ट। यानी कि जो हमारा पास्ट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसको कंसीडर करते हुए हमारे यंग ऑफिसर्स और कैडेट्स को अपनी आंखें जमानी चाहिए कहाँ पर, फ्यूचर डेवलपमेंट की तरफ इन द फील्ड ऑफ मैरिटाइम, ठीक है, सिक्योरिटी। अब इस साल का जो थीम है उसका मुख्य एम है क्या, टू एक्सप्लोर एंड एलुसिडेट इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिक मैरिटाइम ट्रेड दैट एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑन देयर सोसाइटी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी आर्ट आर्किटेक्चर लैंग्वेज लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एरिया ऑफ सिविलाइजेशन। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, यह है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया है 4 दिन का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है इस बार। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। तो देखते हैं IISF 2017 के बारे में, ये तीसरा IISF है अब तक का, तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, देखते हैं क्या क्या है। NIF फाउंडेशन ने किया है इनोवेटर समिट, उसे इनोवेटर समिट का एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम इनोवेटर्स स्टूडेंट रिसर्चर्स टू पॉलिसी मेकर्स। तो दोस्तों इस बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ESSO NIOT ये इसका मेन कोऑर्डिनेटर है, और इसका थीम जो है वो है साइंस फेस्टिवल का जो थीम है वो है साइंस फॉर न्यू इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्क्लेव है इसका जो मुख्य पर्पज या उद्देश्य है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डेलीब्रेशंस विद इंडियाज नेबर कंट्रीज, मतलब जो हमारे देश के पड़ोसी देश कंट्रीज हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना या उपलब्ध कराना इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। उसके अलावा नेक्स्ट इवेंट है सेंसिटाइजिंग यूथ टू फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिपोग, इसका मतलब है जो हमारा यूथ है उसको सेंसिटाइज कराना है गवर्नमेंट की पॉलिसी और सक्सेस स्टोरीज से रिलेटेड, जो कि जैसे कि उदाहरण दूँ तो मैं स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लाइमेट चेंज एंड स्वस्थ भारत। नेक्स्ट इवेंट की बात करूँ तो वह है साइंस विलेज से रिलेटेड, इसमें क्या किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है स्टूडेंट को फ्रॉम द रूरल इंडिया एंड मेक देम अवेयर ऑफ इंडियाज अचीवमेंट इन द फ्रंटियर एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगला इवेंट की बात करूँ तो इसमें मेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो की बात की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है शोकेसिंग द अचीवमेंट एंड सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियन साइंटिफिक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन R&D लैब्स PSU एंड इंडियन इंडस्ट्री। उसके अलावा ग्रास रूट इनोवेशन समिट, इसका जो एम है वो प्रोवाइड करता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि स्टूडेंट रिसर्चर एंड पॉलिसी मेकर अंडर द इनोवेशन एग्जीबिशन जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी में हुआ है। उसके अलावा एक और इवेंट है राउंड टेबल मीट ऑन मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या है टू एड्रेस द वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स टू पॉपुलराइज साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डॉक्टर हर्षवर्धन एंड डॉक्टर महेश शर्मा ने फ्लैग ऑफ किया है मिनी मैराथन को एज ए पार्ट ऑफ क्लीन एयर कैंपेन ऑन 15th of October। तो दोस्तों इस जो कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को मास स्केल पे अवेयर कराना कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, और इस बार जो क्लीन एयर कैंपेन है उसको लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो ये स्टीम एक्सप्रेस हॉल्ड बाय फेरी क्वीन वर्ल्ड ओल्डेस्ट फंक्शनल स्टीम इंजन बिटवीन दिल्ली एंड कंटोनमेंट एंड रेवारी टू कमेंस इट्स जर्नी फ्रॉम 14th October 2017 इन द करंट सीजन। तो इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे इसमें जो काम की न्यूज़ है वो यही है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव जो है वो है फेरी क्वीन, और इसको इसका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में दर्ज है। उसके बाद अगली न्यूज़ है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली साहब वो पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं G20 फाइनेंस मिनिस्टर इन सेंट्रल बैंक मीटिंग में Washington DC। तो इसका मुख्य जो फोकस है वो है द डिस्कशन का मुख्य फोकस है वो है एजेंडा आइटम्स पर्टेनिंग टू ग्लोबल इकोनॉमी
एंड फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो दोस्तों आज का न्यूज यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले दिन की न्यूज के साथ। एंड सॉरी फॉर टुडे न्यूज, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया है, कल से वही सेम टाइम रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग मी, और आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।